आज की एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करने से पहले दोस्तों, मेरे दूसरी चैनल क्लाइमेक्स रिवील पर पोस्टेड न्यू सीरीज एंजॉय करना मत भूलना, जिसके सारे एपिसोड्स पोस्ट हो चुके हैं। और अगर आपको मेरा काम जरा भी पसंद आता है तो आपसे छोटी सी विनती है कि प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक और क्लाइमेक्स रिवील को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। तो चलिए अब शुरुआत करते इस मूवी के एक्सप्लेनेशन से। फिल्म की शुरुआत में हम टॉम नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो एक लड़की से कह रहा होता है कि मैंने अपने दो दोस्त लू और काय को क्लब भेजा है ताकि वो पता लगा सके कि आखिर मेरी बहन जेनी की हत्या किसने और क्यों की। साथ ही काय कोई साधारण इंसान नहीं है, वो असैसिन के पीढ़ी से है जो 10,000 साल पहले हुआ करते थे, जिसकी बाद हमें क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक वैम्पायर की प्रजाति का आदमी लोगों की आत्मा को अपने अंदर डालकर खून की शक्ति बढ़ा रहा होता है। तब वहाँ लू और काय आते हैं, जिन्हें देखकर वैम्पायर्स उन पर हमला कर देते हैं, पर लू और काय भी उनका डटकर सामना करते हैं। तब काय से लड़ने वो वैम्पायर आ जाता है जो लोगों की आत्माओं को खुद में समा रहा था। काय उसे जेनी के बारे में सवाल करता है क्योंकि उसे लग रहा था कि इन्हीं वैम्पायर्स में से किसी ने उसकी हत्या की है, लेकिन वो काय की बातों को अनदेखा करके सीधे उस पर हमला करके उसकी भी आत्मा को खुद में समाने की कोशिश करता है, लेकिन काय खुद पर नियंत्रण करके उसे बहुत मारता है। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की टॉम से लड़ना शुरू कर देती है क्योंकि वो खुद भी एक वैम्पायर है, लेकिन टॉम को उसके बारे में पहले से ही पता था, इसलिए वो अपने पास रखे एक पवित्र चाकू को उसके अंदर घुसा देता है जिससे वो रोशनी में बदलकर गायब हो जाती है। वहीं काय भी अपने शक्तियों से उस वैम्पायर को मारने में सफल हो जाता है। अब वैम्पायर के मरते ही एक अदृश्य इंसान लोगों को पोजेस करके उनके जरिए काय से कह रहा होता है कि अगर तुम जेनी के बारे में जानना चाहते हो तो सोलोमन टेम्पल के पास आ जाओ। और अब इतना कहते ही सभी नॉर्मल हो जाते हैं, जिसके बाद काय और बाकी सभी सोलोमन टेम्पल के लिए निकल जाते हैं, जहाँ उनसे मिलने एक बायोटेक कंपनी का मालिक विलियम आकर उनसे कहता है कि आज से 1,000 साल पहले लोपेन नाम के बहुत ही शक्तिशाली इंसान ने पूरी धरती को चीजों का आकार दिया, लेकिन धीरे धीरे उसे अपनी शक्तियों पर घमंड होने लगा और वो दुनिया पर राज करने के बारे में सोचने लगा। साथ ही उसके पास तबाही और शांति नाम के दो योद्धा भी थे जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और एक दिन दाव नाम के देवता ने लोपेन को खत्म करने के लिए वो असैसिन को भेजा, जिसने लोपेन को मारकर उसकी शक्तियों को एक लॉकेट के अंदर डाल दिया। और तब से तबाही और शांति में दुश्मनी हो गई, और अब एक आखिरी वो असैसिन बचा है जो कोई और नहीं बल्कि तुम हो, और तबाही मेरी ही बहन है जिसे अंडरवर्ल्ड क्वीन कू के नाम से जानते हैं, जिसका मकसद दुनिया को बर्बाद करना है, लेकिन मैं उसे रोकना चाहता हूँ। साथ ही जिस दिन तुम्हारी बहन की मृत्यु हुई थी उस दिन कू काय को ढूंढ रही थी ताकि तुम्हारी शक्तियों से लोपेन को फिर से जीवित कर सके, लेकिन दुर्भाग्य से बीच में जेनी आ गई जिस वजह से वो मारी गई। वो उन्हें उसी पत्थर का आधा टुकड़ा दिखाकर कहता है कि आधा पत्थर मेरे पास है और आधा तुम्हें जेनी के पास ही मिलेगा, जब वो कू से लड़ते हुए मारी गई थी। वहीं जब वो कू से लड़ते हुए मारी गई थी तब उसने कू से वो पत्थर ले लिया था। मैं चाहता हूँ कि तुम किसी तरह कू को यहाँ तक ले आओ ताकि मैं उसकी शक्तियों से दाव को जीवित कर सकूं, और अगर तुम जेनी का बदला लेना चाहते हो तो तुम्हारे पास एक मौका है क्योंकि कल कू की एक होटल में मीटिंग होने वाली है, तुम कल उसे पकड़ सकते हो, जिस पर काय और बाकी मान जाते हैं। आप टॉम सभी को अपनी दोस्त प्रिया से मिलवाता है जो इस काम में उसकी मदद करेगी। दूसरी तरफ हम लू के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी जुलू नाम की इंटरपोल एजेंट को देखते हैं जो एक आदमी को टॉर्चर करके उसे उस होटल का पता पूछती है जहाँ कू की मीटिंग होने वाली है, जिस पर डर के मारे वो उसे होटल का नाम बता देता है। अब अगले दिन सभी उस होटल के पास आते हैं जहाँ प्रिया उन्हें एक डिवाइस दिखाती है जिसे कंट्रोल रूम में जाकर ऑन करते ही सारे कैमरास बंद हो जाएंगे, जिसके बाद अब सबसे पहले प्रिया और टॉम आगे जाते हैं। और अब जैसे ही दोनों गेट के पास अपना बैग स्कैन करने के लिए आते हैं उसमें से अलार्म बजने लगता है, इसलिए गार्ड्स तुरंत उन्हें पकड़ लेते हैं, जिस मौके का फायदा उठाकर काय और लू होटल के अंदर चले जाते हैं। वहीं जुलू अपने बाकी एजेंट्स के साथ होटल पर नजर रखी होती है। अब होटल के अंदर कू अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए 5 काफी ज्यादा शक्तिशाली वैम्पायर्स को मार देती है, और इधर टॉम और प्रिया को गार्ड्स पकड़कर कंट्रोल रूम ले आते हैं। तब वहाँ प्रिया अपना डिवाइस ऑन कर देती है जिससे सारे कैमरेस बंद हो जाते हैं, और फिर टॉम एक छोटे से बॉम्ब को डेटोनेट कर देता है जिससे कई सारे गार्ड्स मारे जाते हैं, लेकिन इसकी खबर कू को भी लग जाती है इसलिए वो तुरंत होटल से निकल जाती है। इधर काय और लू दोनों उस कमरे में आते हैं जहाँ कू की मीटिंग हुई थी, और वहाँ उन्हें कई सारे वैम्पायर्स मृत दिखाई देते हैं जिसे देख कर वो दंग रह जाते हैं। और तभी वहाँ जुलू आकर उन्हें हाथ ऊपर करने को कहती है। तब लू से सवाल करता है कि आखिर तुम्हें
यहाँ कर क्या रही हो? और मैंने ये सब नहीं किया जो तुम मुझे पकड़ने यहाँ आ गई। फिर तभी वहाँ टॉम और प्रिया भी आ जाते हैं, जहाँ टॉम जुलू के गले पर चाकू रख देता है, जिस पर लू समझाता है कि इसे छोड़ दो, ये हमारे साथ है। पर तभी वहाँ कू के साथ ये आकर उन पर हमला कर देते हैं, जिसका सभी डरकर मुकाबला करते हैं। वहीं काय से लड़ने जेन नाम की असैसिन आती है, जो वो असैसिन की बिरादरी वाली असैसिन से कम शक्तिशाली है। वो काय से कहते कि तुम्हें मारकर कू मुझे तुमसे भी ज्यादा शक्ति दे देगी, इसलिए अब वो उसे लड़ना शुरू कर देती है। लेकिन तब काय उसे बचने के लिए बिल्डिंग के नीचे पानी में कूद जाता है, और फिर उसकी बाकी साथी भी वहाँ से भागने में सफल हो जाते हैं। अब काय और बाकी कू की गाड़ी का पीछा करने लगते हैं, लेकिन वो आगे निकलकर अपने साथियों को उनके पीछे लगा देती है, जो सभी उनकी वैन पर गोलियां बरसाने लगते हैं। प्रिया अब सभी से कहती है कि यहाँ से थोड़ी दूर मेरा गाँव है, हम वहाँ जा सकते हैं। इसलिए सभी जैसे तैसे उनसे बचकर नाव के जरिए वहाँ से निकल जाते हैं। अब थोड़ी दूर आने के बाद सभी प्रिया के गांव में पहुंच जाते हैं, लेकिन अंदर जाने से पहले गेट पर कुछ मंत्र को चिपकाया गया था, ताकि कोई भी शक्ति वाला इंसान अगर किसी बुरे काम की इच्छा से अंदर आने की कोशिश करेगा तो वो इसमें असफल रहेगा, जिस पर फिर काय आसानी से गेट के अंदर चले जाता है। अब गांव में आने के बाद प्रिया सभी को अपने अंकल चैटरी से मिलवाती है, जो एक धर्म गुरु है, जो प्रिया के दोस्तों का गांव में स्वागत करते हैं, साथ ही उन्हें खाने पर भी आमंत्रित करते हैं, जहां काय उनसे विलियम और कू के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहता है कि उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया है, विलियम और कू दोनों का लक्ष्य एक ही है, दोनों भी लोपेन को फिर से जीवित करना चाहते हैं, ताकि तीनों मिलकर दुनिया पर राज कर सके, और ये तुम्हारी शक्ति उन दोनों पत्थर के जुड़े हुए हिस्से में जाने से होगी, जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। अब रात को प्रिया टॉम को बताती है कि आज से 10 साल पहले मेरे गाँव में सुनामी आई थी, जिसमें गाँव के कई सारे लोग मारे गए थे, और उन्हीं में मेरा पूरा परिवार भी शामिल था, जो सुनकर टॉम भी दुखी हो जाता है। और अब जब टॉम वहाँ से सोने चला जाता है, तब प्रिया और कू का मैसेज आता है, जिसमें वो दावा करती कि मैं तुम्हें तुम्हारा परिवार वापस कर सकती हूँ, जिसके लिए तुम्हें बाहर आकर मुझसे मिलना होगा, जिस पर वो मान जाती है और तुरंत गेट के बाहर आ जाती है, जहाँ उसे कू के द्वारा दिखाया गया एक विजन आता है, जिसमें उसे उसका पूरा परिवार दिखाई देता है। तब वहाँ कू विलियम के साथ आकर प्रिया से कहती कि अगर तुम अपने परिवार को पाना चाहती हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तुम्हें टॉम के पास से वो पत्थर का टुकड़ा लेकर उसे काय के सिर पर रखना होगा, ताकि उसकी सारी शक्तियां पत्थर के अंदर समा जाए, साथ ही तुम्हें गेट पर लगे मंत्र को भी खत्म करना होगा, जिससे हम तुम्हारी मदद करने के लिए अंदर आ सके। जो सब सुनकर वो थोड़ी घबरा जाती है, पर अपने परिवार के लालच में प्रिया को की बात मान जाती है। अब प्रिया सबसे पहले गेट पर से मंत्र हटा देती है, जिसके बाद वो टॉम के पास आकर उससे पत्थर भी ले लेती है, पर जब वो काय की शक्तियां उसके अंदर डालने ही वाली होती है कि वो जग जाता है, पर तभी वहाँ कू के साथ ही आकर काय का झूला तोड़ देते हैं, जिस वजह से प्रिया वहाँ से भाग जाती है। अब वहाँ लू और बाकी भी पहुंच जाते हैं, लेकिन टॉम को उसका पत्थर दिखाई नहीं देता, जिस पर काय कहता है कि प्रिया ने हमें धोखा दिया, वो पत्थर लेकर चली गई, जिसके बाद अब सभी कू के साथ ही उसे लड़ने लगते हैं। तब लू जिससे लड़ रहा होता है वो लकड़ी में लगे किलो को निकाल कर लू की तरफ फेंक देता है, जिससे किले उसके हाथ में लग जाते हैं। और अब जैसे ही वो आदमी लू को मारने वाला होता है, वहाँ चैटरी आकर अपना चाकू उसकी तरफ फेंक देते हैं, जो उसकी हाथ में घुस जाती है, और फिर वो उसे तुरंत पकड़ लेते हैं। तब लू भी अपने हाथ में लगे किले को निकाल कर उस आदमी के सिर में घुसा कर उसका काम तमाम कर देता है। आप चैटरी सभी से कहते हैं कि तुम लोग कू के पीछे जाओ, तब तक मैं नहीं संभालता हूँ, जिसकी बात वो सभी से लड़ने चले जाते हैं। लेकिन वो अकेले और उनके सामने काफी लोग थे, जिस वजह से सभी मिलकर उन्हें मार गिराते हैं, लेकिन तब तक उन्होंने काय और बाकियों को जाने का मौका दे दिया था। आप काय और बाकी विलियम के टेम्पल आते हैं, जहाँ एक टनल बनी होती है, जिस टनल के जरिए ही लोपेन दुनिया में वापिस आएगा। वहीं उस टनल के पास कू विलियम और बाकी भी मौजूद होते हैं, और अब प्रिया कू को वो पत्थर देकर कहती कि अब मुझे मेरा परिवार वापस कर दो, जिस पर कू कहती कि इसके लिए उन्हें जीवित करने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हें ही उनके पास पहुंचा दूंगी, और वहां जाकर तुम अपने परिवार से मिल लेना, यानी कि वो उसकी जान लेने की बात कर रही है। इधर काय और बाकी टेंपल के अंदर आ जाते हैं, जहां काय जेन से लड़ने जाता है, तो वहीं लू कू के खास साथी से लड़ रहा होता है। इधर जुलू और टॉम भी कू के साथियों से लड़ रहे होते हैं, और तब वहां कू आकर उनसे लड़ने लगती है, जहां तीनों में ही काफी जबरदस्त लड़ाई
होती है। पर जुलू कू की गर्दन तोड़कर उसे मार गिराती है। वहीं फिर तभी वहाँ प्रिया आती है और अब जुलू जैसे ही उसे मारने जाती है टॉम उसे रोक लेता है, जिस पर प्रिया समझाती है कि मुझे कू ने अपने परिवार को वापस देने का लालच दिया था, जिस वजह से ही मैं उसके बहकावे में आ गई। इधर का जेन से लड़ रहा होता है लेकिन तब उसके हाथ में चाटी का दिया हुआ ब्रेसलेट डाल देता है जिससे उसकी शक्तियाँ खत्म हो जाती है और फिर वो उसकी गर्दन तोड़कर उसे मार देता है। दूसरी तरफ कू फिर से जीवित हो जाती है जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं, लेकिन इस बार टॉम कू के भाले को उसके ही गले में डालकर दबा देता है जिससे वो रोशनी में बदलकर गायब हो जाती है। दूसरी तरफ विलियम काय के पास आता है और उसके सिर पर पत्थर रखकर उसकी शक्तियों को पत्थर में समा लेता है और अब जैसे वो उन दोनों पत्थर को आपस में जोड़ता है उस टनल में से बहुत ज्यादा रोशनी निकलने लगती है जिस रोशनी के साथ ही विलियम लोपेन में बदल जाता है। तब काय मेडिटेट करते हुए भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे मेरी शक्तियाँ वापस मिल जाए और भाग्य से उसे उसकी शक्तियाँ वापस भी मिल जाती है। वहीं लोपेन अब लू को अपने वश में कर लेता है जिससे वो काय से ही लड़ना शुरू कर देता है। तब काय बाकी उसे लड़कर लू को उसके नियंत्रण से बाहर निकालने की कोशिश करता है जिससे वो लोपेन के वश से अंत में बाहर आ जाता है। अब अंत में काय लोपेन से लड़ने जाता है जहां दोनों भी उसी टनल के अंदर जाने लगते हैं। तब लू भी रस्सी की मदद से उस टनल के अंदर चले जाता है जहाँ दोनों मिलकर लोपेन से लड़ते हैं और फिर काय अपनी पूरी शक्तियों के साथ लोपेन पर हमला करता है जिससे वो विलियम में कर मारा जाता है, जिसकी बात सभी उस टेंपल के बाहर आ जाते हैं। हाँ, मूवी की आखिरी सीन में हम काय और बाकियों को बीच के पास मस्ती करते हुए देखते हैं और फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद दोस्तों।